एक विषय है थायराइड। आपको पता है अगर थायराइड बढ़ जाए तो आपके शरीर का मोटापा बढ़ने लगता है, बाल टूटने लग जाते हैं, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। अच्छा ये बताओ ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हीरा योगी और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी विधि जो आपके थायराइड को कंट्रोल करेगी, जो आपके शरीर की नाड़ियों को शुद्धिकरण करेगी। और जिन लोगों को टॉन्सिल्स ज़्यादा हो जाते हैं, टॉन्सिल्स समझते हैं ना, यहाँ पर सूजन हो जाती है, वो ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप तैयार हो? आपको दो तीन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आप इसको सही तरीके से सीख गए तो बल्ले बल्ले। पहली एक्टिविटी आपको बताना चाहता हूँ, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करो, अपनी जीभ को जितना हो सकता है बाहर निकाल लो। अब बाहर निकालने के बाद 5 सेकंड होल्ड करो। पांच सेकंड हो गया ना, अब जीभ को अंदर ले जाओ। 3 बार इसको करना, 5 बार किन बाहर फिर अंदर, 5 सेकंड बाहर फिर अंदर, 5 सेकंड बाहर फिर अंदर। 5 5 सेकंड आपने करा तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड थी ना उस पर खिंचाव, जो आपका थाई मसल उस पर खिंचाव पैदा पड़ेगा। जो कहेगा भैया थायरोक्सिन बनाओ, बहुत काम की चीज़ है। अब इसके बाद आपको एक प्राणायाम मैं सिखा देता हूँ, अगर इसका आपने सुचारू रूप से तरीके से करना चालू कर दिया तो मजा ले, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पहला काम आपको अपना थोड़ा सा फेस ऊपर करना है। ये एक्टिविटी सीख लो फिर प्राणायाम सिखाऊंगा। अपने जाव को दाएं बाएं और फिर क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक, 20 क्लॉक, 20 एंटी क्लॉक करोगे तो ये आपके जॉब्स के लिए अच्छा है और आपके थायराइड के लिए भी अच्छा है। अब आपका जो फेस है, जो आपका गला है, वो तैयार है उस प्राणायाम को करने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक प्राणायाम की जिसका नाम होता है उज्जायी प्राणायाम। इस प्राणायाम में क्या करना होता है, जो आप श्वास लेते हो, जो ब्रीदिंग लेते हो, इस श्वास को आवाज के साथ यानी अपने गले के साथ, कंठ के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर पैदा करनी है आपको। वो कैसे होगी, जब आप श्वास को भरेंगे तो दिस एरिया पर जो आपके कंठ है यहां पर संकुचित करना है, फ्रिक्शन क्रिएट करनी है, ऐसे करके। नाउ फिर रिलीज छोड़ देना है। अब इसमें एक बहुत बड़ी काम की चीज बताता हूं, सर्वाइकल वाले तो इसी तरीके से अजमाएंगे लेकिन को सर्वाइकल नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने चिन को इस तरीके से ऐसे कर लें, इस तरीके से। इसका नाम है जालंधर बंद। अब यहां पर आप जब ब्रीदिंग करेंगे तो आपको फ्रिक्शन क्रिएट करनी है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ऐसे खांसी भी आएगी इस तरीके से। नॉट टू वरी अबाउट इट, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आपके कंठ के ऊपर, आपकी थायरोक्सिन पर, जो आपके थायराइड है, जो आपका थाइमस है, उसको क्लीन अप का काम करेगी और आपकी आवाज में एकदम बदलाव आ जाएगा। देखो आपको मेरी आवाज में बदलाव आया होगा। अगर आप इसका अभ्यास 3 बार करते हैं दिन में और 3 3 बार आप करते हैं तो थायराइड के जो पेशेंट है जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है, जो 100 100 mg की गोलियां ले रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी शक्ति वर्धक होने लगेगी, आपकी धातु रोग बढ़ेंगे और जिनको हृदय रोग है उसमें भी बहुत लाभकारी होगा। रेगुलर अभ्यास कीजिए और स्वस्थ हो जाइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और ये वीडियो सभी तक शेयर करना है, नए हैं तो लाइक करना है, कमेंट करना है। प्रणाम और बैल भी दबाना है।